टाटा टेक्नोलॉजीज के बाद? आशीष जी, मेरे पास BHEL है 126 पे 300 क्वांटिटी, तो इसको रखूं, इसमें और ऐड करूं या प्रॉफिट बुक करूं? 126 पे खरीदा हुआ है जी, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग से ज्यादा मजा आ रहा है कि स्टॉक मार्केट में ज्यादा मजा आ रहा है आपको? स्टॉक मार्केट में भी उतना ही मजा आ रहा है और फार्मिंग में तो बहुत ही मजा आ रहा है। उधर भी 500 का 1000 कर लिया आपने, इधर 126 का 300 कर लिया है। एक्चुअली ये मैंने 68 से लेना स्टार्ट किया था, 68 रुपए पे भी है मेरे पास ये, फिर 150 पे लिया, फिर 200 पे लिया, तो एवरेज प्राइस मेरी 126 आ रही है। ब्यूटीफुल, विनिंग ट्रेड्स को एवरेज करना बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। खैर, BHEL, रजत दा, रश्मि मैम, बने रहें, मुनाफा बांधें, क्या ट्रिगर पॉइंट बनेगा, कब मुनाफा बांधना है? देखिए, अभी मैंने इन्होंने बोला कि 125 के शायद एवरेज है इनका, तो अभी देखिए इस साल में ये जो मूवमेंट दिया है करीबन 7500 के लेवल से, वहां से अभी 325 के आंकड़ा भी छू चुका है, अभी 296 रुपया में है। अगर मैं बोलूं कि आप एक बार मुनाफा वसूली कर लीजिए, तो आप अगर कर पाए तो कर लीजिए, क्योंकि इसका रन जो है ये पैराबोलिक है, ये नहीं है कि ये फिर से एक बार ऊपर की तरफ जा नहीं सकता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसी स्थिति में जो इंडिकेटर्स जो दिखा रहे हैं, मतलब 14 RSI इंडिकेटर वीकली चार्ट में दिखा रहे हैं कि वहां पे नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं, और ऊपर में पिछले 8-10 हफ्ते में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है, मतलब बड़े प्लेयर कुछ इसमें बिकवाली भी कर रहे हैं, तो आप एक बार मुनाफा वसूली कर लीजिए और उसके बाद में दोबारा एंटर करिएगा अगर नीचे मिले तो। इसको एटलीस्ट करेक्शन में 225 से 200 के बीच में दोबारा आएगा, ऐसे ही उम्मीद करना चाहिए। ओके, मुनाफा बांध लेना बेहतर होगा। आज आप फार्म नहीं गए? और गलती अगर मेरी ना हो तो दूसरा इन्वेस्ट JP पावर।